नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट एग्जाम के संबंध में जो है ये अपडेट है, जेआरएफ के संबंध में जो है महत्वपूर्ण ऑफिशियल जो नोटिस है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमारे फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो है काफी सारे नोटिफिकेशन जिसकी वीडियो नहीं बन पाती है आपको यहाँ पर मिल जाए। सो अभी जो है हम एनटीए जो यूजीसी नेट एनटीए की ऑफिशियल जो है वेबसाइट है, यहाँ पे जो है हम दो नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। एक तो यहाँ पे रिलैक्सेशन इज एज लिमिट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर जून 2021 यूजीसी नेट साइकिल। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे जो है ऑनलाइन जो है आवेदन फ्रेश एप्लीकेशन फॉर जून 2021 कोरोना वायरस के कारण जो जून 2021 का जो यूजीसी नेट एग्जाम है वो डिले हो गया है। ऑनलाइन आवेदन जो है अब 10 अगस्त से लेकर 5 सितंबर फ्रेश एप्लीकेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो जून 2021 और दिसंबर 2020 का जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो मर्ज कर दिया गया है। अब जो है यहाँ पर जो नई डेट है, यानी कि जो है यहाँ पे जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर को रहेगी। अब यहाँ पे हम क्या बात करने वाले थे, यहाँ पे बात करने वाले थे कि जेआरएफ जो है जो जेआरएफ की जो एज लिमिट है वो यहाँ पर जो है 1 अक्टूबर 2021 को जो है यहाँ पर गणना होगी। पहले 1 मार्च 2021 को जो है गणना हो रही थी, लेकिन अभी जो है यहाँ पर एक्सटेंशन जो रिलैक्सेशन दे दिया गया है जून 2021 के लिए जो है जो जेआरएफ की जो एज लिमिट है उसकी गणना 1 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर आप 31 साल या 31 साल से आप जो है कम आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, आप यहाँ पर जो है जेआरएफ के लिए जो है यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ जो है एज रिलैक्सेशन, जैसा आप जानते हैं ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल लेयर है, एंड यहाँ पे जो है 5 ईयर्स इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर, तो उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है 5 साल का रिलैक्सेशन। साथ ही साथ एससी एसटी दिव्यांगजन थर्ड जेंडर कैटेगरीज एंड जो वुमेन्स एप्लीकेंट है चाहे किसी भी कैटेगरी की, तो रिलैक्सेशन विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट विद रिसर्च एक्सपीरियंस लिमिटेड टू द पीरियड स्पेंड ऑन रिसर्च इन रिलेवेंट रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांगजन थर्ड जेंडर और ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर और वुमेन्स एप्लीकेंट्स चाहे किसी भी कैटेगरीज की है, यहाँ पर 5 सालों की छूट यहाँ पर प्रदान की गई है जेआरएफ के लिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा आप जानते हैं कि जो जो दिसंबर 2020 का यूजीसी नेट एग्ज़ाम और जून 2021 का जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम, दोनों साइकल्स को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या जेआरएफ का जो स्लॉट्स है क्या वो भी मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही, द स्लॉट्स ऑफ जेआरएफ ऑफ बोथ यूजीसी नेट, यानी कि दोनों साइकिल जो दिसंबर 2020 और जून 2021 का दोनों साइकिल्स का जेआरएफ का जो स्लॉट है वो यहाँ पे जो है मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये जो है दो महत्वपूर्ण, एक तो एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट जो कैलकुलेशन होगा वो आपका कैलकुलेशन होगा 1 अक्टूबर 2021 को, आप 31 साल या इससे कम होने चाहिए। साथ ही साथ 5% की छूट एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल थर्ड जेंडर और वुमेन्स कैंडिडेट्स चाहे किसी भी कैटेगरी की हो यहाँ पर मिलेगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर जो स्लॉट्स है जेआरएफ का दोनों साइकिल के लिए यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।